हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11th मैथमेटिक्स क्लास में। तो एक्सरसाइज चल रही है अपनी 3.3। क्वेश्चन हमने कर दिए थे 5, आज करेंगे 6 से और देखते हैं कितने होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में भी प्रूव करना है कि ये है कि cos पाई बाई 4, प्रूव दैट 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये ठीक है, बंद कर दो, ठीक ये छोड़ो। cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस में साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो होप क्वेश्चन करने से पहले ये श्योर कर लें कि हमने जो बेसिक फॉर्मूले किए थे, बनाने भी सीखे थे हमने कैसे बनते हैं, वो याद हों तो हो जाएंगे क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं होंगे। और उसमें मैं तो क्या कोई टीचर भी नहीं करवा पाएगा, जब तक आइडेंटिटी फॉर्मेशन का जो हमने किया था कैसे बनती है ये भी हमने किया था उसमें। हालांकि ऐसे करवाते नहीं कि सीधा कि ये फॉर्मूले होते हैं करवा देते हैं, पर हमने तो कोशिश की है कि जो उन फॉर्मूलों को भी बनते कैसे, हमने हर एक फॉर्मूला जो बना था उसमें उसको बना के बताया था कि ऐसे आता है ये, पर याद तो रखने पड़ेंगे, तो वो आपको याद होने ज़रूरी हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो फॉर्मूला है इसमें कुछ नहीं, खाली एक फॉर्मूला है। तो अगर आपको याद है कोस का फॉर्मूला कि कोस ए प्लस बी का, कोस मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है तो देखो क्या होता है, इसका होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है, ध्यान है। तो अब यहाँ देखो कोस वाले की निशानी क्या है कि हमें क्या पता भी क्या, कोस कोस इकट्ठा होता है, देखो कोस कोस है, साइन साइन है, हमें देखना क्या होता है कोस ए कोस बी, यानी कि यहाँ जो एंगल होता है ना अलग अलग हो, पर ए के कोस के साथ में वो साइन के साथ में भी होना चाहिए, माइनस का साइन है, और कोस बी के साथ में वो वही चीज़ साइन बी के साथ होनी चाहिए। अगर माइनस है तो फॉर्मूला ए कोस ए प्लस बी का बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो बन जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ देखो अब इनका देखते हैं, कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आगे माइनस का साइन आया है, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स के साथ में ये वाला है, कोस पाई बाई 4 माइनस वाई यहाँ जो है वो यहाँ है, तो फॉर्मूला है कोस ए, ये पूरा क्या बन गया ए हो गया, और इसे बी माने तो ये क्या बन गया साइन ए, क्या बन गया साइन बी, समझ में आ गया। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा उल्टा, दोनों तरफ से अपने को फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, ठीक है। तो अभी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोस ए कोस बी हम फॉर्मूला डालेंगे, ये रीजन बताएंगे, सीधा फॉर्मूला है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, पहले ये लाइन लिख के फिर लिख देंगे कोस ए, ए का मतलब क्या हो गया पाई बाय 4 माइनस एक्स, प्लस में कोस बी, कोस बी की जगह क्या हो गया पाई बाय 4 माइनस वाई, ये फॉर्मूला है जी कोस ए माइनस बी का, क्योंकि ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी है, तो दैट इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी, समझ में आ गया। अब इसे सोल्व करोगे तो क्या आ गया, कोस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 ऐड करोगे क्या होता है 45 45 90, एलसीएम लेके करोगे ना तो 4 एलसीएम आ गया, पाई और पाई 2 पाई बाय 4, यानी कि आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ रीजन ये फॉर्मूला जरूर लिख दें, क्योंकि कोस ऐसे ए प्लस बी इक्वल टू जो भी फॉर्मूला होता है वो आपने लिखना है, ठीक। अब देखो सोल्व करें तो पाई बाय 2 आ गया, तो कोस पाई बाय 2 यहाँ माइनस कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई। अब आपको ध्यान होगा कि कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है पाई बाय 2, यहाँ पर हमने किया था क्या होता है चेंज हो जाता है आपका वाई एक्सिस है वो चेंज, वाई एक्सिस पर टी रेशो चेंज हो जाता है, पाई बाई 2 प्लस करो या माइनस करो या 3 पाई बाई 2 माइनस करो प्लस करो, आपका टी रेशो चेंज हो जाएगा, कोस का साइन साइन का कोस, तो ये आ गया पाई बाई 2, किसका वैल्यू है कोस का, और कोस का वैल्यू क्या होता है पाई बाई 2 माइनस थीटा, किया माइनस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो कोस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल क्या आ गया, यही प्रूव करना है राइट हैंड साइड, होप आपको समझ में आया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी कुछ नहीं है, हाँ जी। अभी अपना 7th क्वेश्चन है, देखिएगा 7th दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है, 7th है अपना 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्रूव करना है, ये भी 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल करना है 1 प्लस 10 एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 एक्स पूरे का स्क्वायर, ठीक है।
तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, पर ये साइड ले रहा हूँ मैं। तो 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन में 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, यहाँ पे 10 ए प्लस बी का ऊपर वाले में देखो, न्यूमरेटर में 10 ए प्लस बी बनता है और यहाँ 10 ए माइनस बी बनता है। तो 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि 10 ए प्लस बी इक्वल किसके होता है, इक्वल होता है 10 ए प्लस 10 बी वाई में 1 माइनस 10 ए 10 बी, और माइनस है तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस, इसमें दोनों ही है, तो क्या हो जाएगा 10 ए लेफ्ट हैंड साइड की हमने 10 ए, ए की जगह क्या है पाई बाय 4, प्लस है ना ऊपर वाला, प्लस में 10 बी अपॉन में 1 माइनस 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी 10 एक्स, ये तो किया हमने इसको। अब अपॉन में नीचे 10 ए माइनस बी का है, तो 10 ए माइनस 10 बी 10 एक्स, 10 ए माइनस बी है, ये आ गया अपॉन में 1 माइनस आएगा, माइनस वाला है तो नीचे वाला प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी 10 एक्स। अब इसे देखेंगे तो देखो 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना आता है, 1 प्लस 10 एक्स, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 10 पाई बाय 4 का 1 इंटू 10 एक्स क्या हो गया, 10 एक्स हो गया, तो 1 प्लस 10 एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 एक्स, इसे किया तो सेम हो गया 10 पाई बाय 4 1 माइनस 10 एक्स अपॉन में इसका करेंगे 1 प्लस 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना है 1, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया आपका 10 एक्स ही रह गया। अब देखो अब बटे के नीचे बटा है, यानी कि अपॉन वाई अपॉन में है, तो नीचे वाले को पलट के मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे, नीचे वाले को पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या है 1 प्लस 10 एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 एक्स, ये आ गया, नीचे वाले को पलट के मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 10 एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई है तो ऊपर ऊपर की करो और नीचे नीचे की कर दो, तो क्या है 1 प्लस 10 एक्स, 1 प्लस 10 एक्स का 1 प्लस 10 एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, स्क्वेयर हो गया का स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस 10 एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 एक्स, इसका भी स्क्वेयर हो गया, अब दोनों का स्क्वेयर है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 एक्स पूरे का स्क्वेयर इज इक्वल क्या आ गया राइट हैंड साइड। 8th क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें मैं आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बताने की, हो गया क्लियर हो गया ना आपको। अब 8th है देखो, एर्थ खुद से ही करोगे, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एर्थ कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स, पाई बाय 4 यहाँ आता है और इसमें कुछ प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और पाई पर अन पाई पर आपका टी रेशो चेंज नहीं होता, कोस का कोस रहेगा पर साइन जरूर चेंज हो जाएगा, तो कोस पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा थर्ड में चला गया तो यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, और कोस माइनस एक्स क्या होता है, अगर आपको ध्यान है कोस ऑफ नेगेटिव एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, कोस और सेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी जो भी बच गया टेन ऑफ साइन अगर नेगेटिव एक्स है, साइन ऑफ नेगेटिव एक्स ये होता है आपका माइनस साइन एक्स, ठीक है, साइन ऑफ टेन ऑफ सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसका तो हमने किया माइनस का कोस, सॉरी साइन एक्स नहीं होगा, कोस ऑफ नेगेटिव एक्स क्या हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, क्योंकि पाई पर या पाई माइनस या पाई प्लस आपका टी रेशो चेंज नहीं होता, कोस ऑफ नेगेटिव एक्स क्या हो गया पॉजिटिव कोस एक्स, ठीक है, नीचे वाला साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई पाई माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया और साइन का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स, ठीक है, कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स, कोस पाई बाय 2 यहाँ आ गया, पाई बाय 2 पर आपका टी रेशो चेंज होगा ना, कोस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, लेकिन कोस वैल्यू किसका है कोस का, तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, ऊपर वाला करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस में आ गया कोस स्क्वेयर एक्स, और नीचे वाला करोगे प्लस माइनस माइनस में चला गया क्या आ गया साइन स्क्वेयर, माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या हो गया
कोट स्क्वेयर हो गया ना, ठीक। इसी तरह से ये नाइन्थ क्वेश्चन है, 3π/2 + x, 3π/2 यहाँ आ गया, प्लस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और फोर्थ में कोस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव कोस का क्या हो जाएगा, इस पर आपका टी रेशो चेंज होगा, कोस का साइन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन एक्स, और कोस 2π + x, 2π यहाँ आया, और इसमें आपका एक्स एक्सिस अनपाई कह लो या एक्स एक्सिस प्लस माइनस पे आपका टी रेशो चेंज नहीं होता। 2π + x, एक्स प्लस किया तो फर्स्ट में चला गया, फर्स्ट में कोस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ यह आ जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है, प्लस हाँ इसको देखेंगे कोट इंटू में, ये सारा देखना, कोट 3π/2 - x, कोट यहाँ पे आया, 3π/2 किया तो कोट का हो जाएगा 10, और 10x क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 10x, और प्लस में कोट 2π + x, यहाँ पे 2π का तो प्लस में कोट एक्स। बाहर आपका क्या बचा था, बाहर बचा था ये आपका यहाँ पे तो हो गया साइन एक्स, और ये हो गया कोस एक्स, बाहर है आपका साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक। अब इसे सोल्व करोगे, हमने सोल्व किया, इसे सोल्व करेंगे तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स पड़ा रहेगा, 10x को क्या कर देंगे, साइन एक्स अपोन में कोस एक्स, ठीक है, और कोट एक्स को क्या कर दोगे, कोस एक्स अपोन में साइन एक्स, बाहर इंटू में है सोल्व करने के बाद में, ठीक। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये साइन एक्स कोस एक्स पड़ा रहेगा, क्वेश्चन तो पता होगा नाइन्थ है, ठीक है, इनको सोल्व करेंगे ना हम, तो ये साइन इंटू कोस है, और अंदर वाला ये फिर हमने किया तो ये एक टेन बन गया, एक कोट बन गया, इनको सोल्व करने पर। अब इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया साइन एक्स कोस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब एलसीएम आ गया कोस एक्स इंटू साइन एक्स, इसका पूर्ण में कोस है, कोस कैंसिल होगा, साइन है, साइन का साइन से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स, प्लस में इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स। एलसीएम लेके करना था, कोस से कोस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर क्या होगा, 1, यही इसने पूछा है, ठीक है। अब टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, टेंथ में भी फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, पर थोड़ा सा देखोगे तब तो देखते हैं टेंथ। हाँ जी, आगे है क्वेश्चन नंबर टेंथ है अपना, प्रूव दैट साइन अन प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन अन प्लस साइन ऑफ अन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कोस अन प्लस 1 इंटू एक्स कोस अन प्लस 2 इंटू एक्स, प्रूव करना है कोस एक्स है ये, ठीक। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या दिख रहा है, साइन साइन कोस कोस, ठीक। अब इनका देखें एंगल वैल्यू क्या है, इनका साइन के साथ साइन अन प्लस 1 इंटू एक्स और साइन अन प्लस 2 इंटू एक्स, इसके साथ में अन प्लस 1 इंटू एक्स, कहने का मतलब ये और ये सेम है, और कोस अन प्लस 2 इंटू एक्स, ये और ये सेम है, समझ में आ गया, साइन साइन इकट्ठा है, कोस कोस इकट्ठा है, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है जी, साइन साइन कोस कोस किसके फॉर्मूले होते हैं, कोस ए प्लस बी या कोस ए माइनस बी का होगा, ठीक। यहाँ ये फॉर्मूला कोस ए प्लस बी या माइनस का है, तो यहाँ साइन प्लस है तो कोस ए माइनस बी का है, तो लेफ्ट हैंड साइड लो, ठीक है, कोस पहले लिख लो, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कोस ए प्लस बी का, और कोस ए माइनस बी का होता है कोस ए कोस बी माइनस का है तो प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा, तो कोस पहले आता है तो कोस पहले लिख लेते हैं हम, क्या है, कोस अन प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कोस अन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस साइन अन प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन अन प्लस 2 इंटू एक्स, समझ में आ गया, देखो कोस ए ये पूरा ए हो गया और ये बी माने, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन, ये ए बना ए माना तो साइन ए साइन बी हो गया ना, माने तो किसका फॉर्मूला हो गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी हो गया, कोस ए माइनस बी का तो कोस ए, ये आ गया कोस ए, ए की जगह क्या है अन प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस बी का है ना अन प्लस 2 इंटू एक्स, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक।
कोई भी क्वेश्चन हो कॉमन आता है तो कॉमन लेंगे, तो यहाँ ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, एक्स कॉमन आता है तो कोस, यहाँ एक्स अगर हम कॉमन लें तो यहाँ क्या रहेगा, एन प्लस वन माइनस है, ब्रैकेट रखेंगे एन प्लस टू, समझ आ गया क्या, इसमें से एक्स कॉमन लिया हमने तो ये आ गया कोस एक्स, यहाँ ये ब्रैकेट लगा दें एन प्लस वन, ब्रैकेट हो लेंगे तो माइनस का एन माइनस का टू एक्स है ही है, एन से एन कैंसिल होके क्या हो गया कोस ऑफ एक्स इंटू माइनस वन, क्या आ गया ये कोस ऑफ नेगेटिव एक्स, और कोस ऑफ नेगेटिव एक्स क्या होता है प्लस का कोस एक्स, क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद वाला इलेवंथ क्वेश्चन है आपका, इलेवंथ नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते तो ठीक था, पर चलो ये इसमें देखते हैं, ये एक जैसे कई क्वेश्चन है, तो इलेवंथ देखो, इलेवंथ है हमें प्रूव करना है कोस थ्री पाई बाय फोर प्लस एक्स माइनस कोस थ्री पाई बाय फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट टू साइन एक्स। देखो जी, यहाँ कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला करके सोल्व करोगे तो भी यही आएगा, समझ में आ रहा है ना, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का सोल्व करोगे तो भी आएगा, और एक फॉर्मूला होता है कोस कोस सी माइनस कोस डी, वो करोगे तो भी यही आएगा, तो ये आप ट्राई करना, क्वेश्चन आप कर लोगे, आप कोस ए कोस बी करोगे तो यहाँ कोस देखो यहाँ कोस थ्री पाई बाय फोर का जो वैल्यू आएगा वो मैं बता देता हूँ, कोस पाई माइनस पाई बाय फोर हो जाएगा, ठीक है, और कोस पाई माइनस पाई बाय फोर होता है कोस माइनस कोस पाई बाय फोर, एक तो ये हो गया इस फॉर्मूले से, समझ में आ गया, और दूसरा होता है कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, तो लेफ्ट हैंड साइड देंगे, मैं बता देता हूँ कोस सी माइनस कोस डी, याद है क्या फॉर्मूले याद किए हैं, तो ये होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू होता है, तो मैं सीधा ही कर रहा हूँ, क्या होता है टू साइन सी, सी की जगह ये हो गया प्लस डी, तो साइन टू साइन सी कितना हो गया थ्री पाई बाय फोर प्लस एक्स, प्लस में डी क्या हो गया थ्री पाई बाय फोर माइनस एक्स अपोन में टू, ये होता है साइन सी, सी की जगह ये पूरा एंगल है माइनस कोस सी माइनस कोस डी, ये होता है टू साइन सी, सी का मतलब ये फर्स्ट वाला एंगल, और इन प्लस में डी, ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी, डी कितना है थ्री पाई बाय फोर माइनस एक्स माइनस में सी, सी कितना हो गया थ्री पाई बाय फोर प्लस एक्स, ठीक है, अपोन में टू। नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ सोल्व करते हैं तो यहाँ एक्स से एक्स कटेगा तो टू साइन थ्री पाई बाय फोर प्लस थ्री पाई बाय फोर सिक्स पाई बाय फोर, और अपोन में टू है तो ये टू यहाँ आ जाएगा, सुनवाई, अपोन में टू है तो बटे के नीचे बटाओ तो पलट के गुणा हो जाएगा, ये तो वन बाई टू हो जाएगा, वन बाई टू का मतलब मैं सीधा यहीं लिख रहा हूँ, इंटू टू इंटू साइन कितना है थ्री पाई बाय फोर से ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा माइनस टू एक्स अपोन में टू, ठीक, तो दो तीये छः, ये आ गया टू साइन थ्री पाई बाय फोर, वही आएगा इंटू साइन ऑफ नेगेटिव एक्स, इसे करेंगे टू साइन, इसे मत काट देना, ये और ये चीज़ें अलग है, कहीं इसे कैंसिल कर दो, ये नहीं कर सकते हम, तो टू साइन थ्री पाई बाय फोर का मतलब चार एकम चार पाई माइनस पाई बाय फोर, ठीक है, पाई माइनस पाई बाय फोर इंटू साइन, चलो एक बार मैं रखता हूँ इसे माइनस में, साइन ऑफ नेगेटिव एक्स क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव है वो हमने यहाँ कर दिया इंटू साइन एक्स, रीजन जरूर डालना है हर एक का, तो माइनस का टू साइन पाई माइनस पाई बाय फोर, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आ गया साइन पाई बाय फोर हो जाएगा, पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, पता है हमें, और पॉजिटिव होगा इंटू साइन एक्स, अब इसका वैल्यू डालो जी माइनस टू, साइन पाई बाय फोर का मतलब साइन पैंतालीस का वैल्यू कितना होता है
वन बाई रूट टू इंटू साइन एक्स। अब देखो ये कैंसिल करता है, ऊपर टू है नीचे रूट टू है, तो इस टू में टू अपॉन रूट टू को अगर देखते हैं तो इस टू को हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू अपॉन में रूट टू, एक को कैंसिल कर देगा एक रह जाएगा, यानी कि यहाँ कैंसिल करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये माइनस का रूट टू साइन एक्स इज इक्वल टू आर एच एस। होप आपको समझ में आया, पर आप ये क्वेश्चन जो मुझे करके दिखाओगे वो क्या यहाँ थोड़ा लेंथी होगा, कोई खास बात नहीं है, प्रैक्टिस बढ़ेगी उससे। तो यहाँ पे कोस ए प्लस बी को सोल्व कर लो पहले, पूरा जो वैल्यू बन रही है वो वैल्यू डाल देना, माइनस में कोस ए माइनस बी को सोल्व कर देना, सोल्व करने के बाद जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा आप उससे करोगे। तो होप आपको समझ में आया है, आए हैं क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, उनको मदद करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।